वीरेंद्र सहवाग ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो वाकई में ट्रोल किंग हैं, और उन्हें ट्विटर का बादशाह भी यूं ही नहीं कहा जाता। सहवाग अपने स्टाइल में बर्थडे विश करने के लिए मशहूर हैं, और इस बार सहवाग ने विश किया है टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ को। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का आज 36वां जन्मदिन है। भारत के लिए 13 टेस्ट और 125 वनडे मैच खेलने वाले कैफ को उनकी फील्डिंग और विकेट्स के बीच तेजी से दौड़ लगाने के लिए जाना जाता है। कैफ ने वनडे में कुल 2753 रन और टेस्ट में 624 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट के मक्का यानी लॉर्ड्स में खेली गई उनकी पारी को भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदलने के लिए याद किया जाता है। तब युवराज सिंह के साथ मिलकर कैफ ने 325 रनों के भारी भरकम स्कोर का सफलतापूर्वक पीछा कर नया अध्याय लिखा था। टीम इंडिया के शानदार फील्डर को उस वक्त के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने ही अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ट्विटर पर अपने मजाकी अंदाज के लिए खासे मशहूर सहवाग ने मोहम्मद कैफ को मेंशन करते हुए ट्वीट किया, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। कैफ ने ये गाना गंभीरता से लिया और कहीं भी उड़ते रहे। हैप्पी बर्थडे कैफ, आप इंसान हो या पतंग। सहवाग ने इस ट्वीट का कैफ ने भी मजेदार जवाब दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, शुक्रिया वीरू, और आपने फिल्म दे दनादन के टाइटल को सीरियसली लिया उसके रिलीज होने से पहले ही। ऐसे ही हमारा मनोरंजन करते रहे हमेशा। सहवाग और कैफ के बीच कई ट्विटर कॉन्वर्सेशन लोगों ने खूब पसंद किया। कैफ को भारतीय क्रिकेट टीम के कोच अनिल कुंबले ने भी जन्मदिन की बधाई दी और आने वाले साल के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि हाल ही में मोहम्मद कैफ और कोच अनिल कुंबले युवराज सिंह की शादी में साथ साथ दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि मोहम्मद कैफ आज 36 साल के हो गए हैं और कैफ को क्रिकेट जगत में चीता कहा जाता था।